गांधीनगर में युवक ने बच्ची के साथ घर में घुसकर किया रेप। पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार। आरोपी बच्ची से करता था गंदे इशारे। शाहदरा पुलिस ने स्पा सेंटर की आड़ में चल रहा वैश्यावृत्ति का धंधा का किया भंडाफोड़। पुलिस ने दो लड़कियों सहित दो लड़कों को पकड़ा। पुलिस पहले भी इनसे कर चुकी है कार्रवाई। पुलिस ने अलग अलग दो जगह केस किए दर्ज। मंडावली पुलिस ने चार लुटेरों को किया गिरफ्तार, जिसमें से दो हैं नाबालिग। पुलिस ने पास से कैश और मोबाइल किया बरामद। मामला दर्ज कर जांच की शुरू। गीता कॉलोनी में जूतों की दुकान में लगी आग पर पाया गया काबू। शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है वजह। सूचना मिलते ही पीसीआर और एम्बुलेंस गाड़ियां मौके पर पहुंची। फर्श बाजार पुलिस ने दो चोरों को पकड़ा। चोरों से पुलिस ने एक सिलेंडर, ऑटो रिक्शा, बर्तन और तमाम सामान किया बरामद। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जांच की शुरू। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीसीएन में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान और आप देख रहे हैं पूर्व दिल्ली खास। अब होते हैं रूबरू पूर्व दिल्ली की अहम खबरों के साथ। महज 10 साल की बच्ची को 20 से 22 साल का एक युवक कई दिनों से गंदे इशारे कर रहा था। वह बाजार से घर जाती तो उसका पीछा करता। उसका दावा था कि वह उससे प्यार करता है, मगर जब एक दिन बच्ची के माता पिता घर पर नहीं थे तो आरोपी उसके घर में घुस गया। इस दौरान उसने मासूम बच्ची का रेप कर दिया। घटना गांधीनगर इलाके की है। इस मामले में पुलिस ने बच्ची के बयान पर रेप, पॉक्सो एक्ट समेत विभिन्न संबंधित धाराओं में केस दर्ज किया है। फिलहाल डिस्ट्रिक्ट के वरिष्ठ अधिकारी इस मामले पर कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। पीड़ित बच्ची के परिजनों ने बताया कि उनका परिवार गांधीनगर इलाके में रहता है। माता पिता इलाके में ढाबा चलाते हैं। बच्ची 5वीं क्लास तक पढ़ी है। बच्ची का आरोप है कि उनके ढाबे के सामने पान बीड़ी वाले की दुकान है। उस दुकान पर अक्सर एक लड़का आकर बैठता था। वह बच्ची को देखकर गंदे इशारे करता था। वह ढाबे से घर आती थी तो उसका पीछा करता था। कई दिनों से यही चल रहा था। एक दिन आरोपी ने रास्ते में बच्ची से कहा कि वह उससे प्यार करता है। बीती 11 अगस्त की रात करीब 10:30 बजे बच्ची ढाबे से घर पहुंची। माता पिता घर पर नहीं थे। उसी दौरान आरोपी भी उसके घर में घुस गया। वहां उसने बच्ची का मुंह दबाकर उसका रेप किया। बच्ची चिल्लाई तो आरोपी वहां से भाग गया। हालांकि बच्ची ने आप बीती किसी को नहीं बताई, मगर 20 अगस्त की रात उसने अपनी मां को सब कुछ बता दिया। मां ने मामले की सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने बच्ची की काउंसलिंग करवाई और केस दर्ज किया है। शाहदरा डिस्ट्रिक्ट के स्पेशल स्टाफ ने स्पा सेंटर की आड़ में वैश्यावृत्ति का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने दो अलग अलग सेंटर्स पर छापेमारी कर दो महिला समेत चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनकी पहचान दयानंद बिहार स्थित विनेश इस्पा के मैनेजर और एक महिला कर्मचारी क्रॉसवे मॉल स्थित ब्लू हेवन के मैनेजर विनय गुप्ता और एक महिला कर्मचारी के रूप में इनकी गिरफ्तारी हुई है। डिस्ट्रिक्ट उपायुक्त आर सत्य सुंदरम ने बताया कि स्पेशल स्टाफ को सूचना मिली थी कि आनंद विहार थाना क्षेत्र में दो अलग अलग स्थानों पर सेंटर की आड़ में वैश्यावृत्ति हो रही है। स्पेशल स्टाफ के इंचार्ज के नेतृत्व में एक ऐसे ही प्रशांत और भी अनेक प्रकार की एक टीम बनाई गई। इस पर पुलिस ने एक टीम बनाई और नकली ग्राहक बनकर सेंटर पर भेजा। यहाँ पर उनसे बॉडी मसाज के लिए अलग अलग रुपए मांगे गए थे। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे डाल दिया है। पूर्व दिल्ली की मंडावली पुलिस के हाथ एक अहम कामयाबी लगी है। पुलिस ने चार लुटेरों को गिरफ्तार किया है, जिसमें से दो लुटेरे माइनर हैं। पुलिस ने इनके पास से 1,310 रुपये, चोरी का मोबाइल फोन बरामद कर लिया है। पकड़े गए आरोपी का नाम रॉबिन और रोशन है। दोनों की उम्र 21 साल है। वो मंडावली के रहने वाले हैं। ये पहले भी लूट की घटना को अंजाम दे चुके हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है और आरोपियों से पूछताछ कर रही है। शाहदरा जिले के गीता कॉलोनी थाने के सामने जूतों की एक दुकान में आग लग गई थी। पुलिस को इसकी सूचना 11:35 पर मिली। तुरंत पुलिस मौके पर पहुंची और पीसीआर और फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने इस पर काम किया। आग पर काबू पा लिया गया है। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। जान माल का कोई खास नुकसान नहीं हुआ है। पूर्व दिल्ली की फर्श बाजार पुलिस को अहम कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने दो चोरों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से पुलिस ने चोरी की संपत्ति बरामद की है।
एक ऑटो रिक्शा चोरी का बरामद किया है, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर DL1RS8796 जिसका पुलिस ने सीज कर दिया है। साथ ही एक चोरी का सिलेंडर, बर्तन, स्टेबलाइजर, चार पानी की बोतल भी पुलिस को चोरों के पास से मिली है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। गणेश उत्सव की तैयारियां शुरू होने लगी हैं। पूर्व दिल्ली के लक्ष्मीनगर में 31 अगस्त से 4 सितंबर तक ये मनाया जाएगा, जिसको लेकर आज भूमि पूजन किया गया। इलाके के आए लोगों ने आकर गणेश जी का भूमि के पूजन में सम्मिलित हुए और कहा कि इस बार का गणेश उत्सव बेहद भव्य होगा, जिसको लेकर तैयारियां चल रही हैं। पहले दिन गणेश महोत्सव में अमृत महोत्सव की धूम देखने को मिलेगी, मतलब हर दिन कुछ अलग अलग थीम होगी। लगभग 50,000 लोग इस महोत्सव में शामिल होंगे, जिनकी सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। देखिए, श्री गणेश सेवा मंडल पिछले 21 सालों से कार्यक्रम, 21वां साल है, 2019 तक तो कार्यक्रम पूरे 11 दिन का चला, उसके बाद कोरोना जैसी महामारी हमारे पूरे विश्व को हिलाकर रख दी। उस कोरोना महामारी में भी गणेश सेवा मंडल को दिल्ली गवर्नमेंट का बहुत धन्यवाद, जिन्होंने उनको 3 दिन प्रोग्राम करने की परमिशन दी एज अ दिल्ली गवर्नमेंट के नॉर्म से, तो हमने वो कार्यक्रम किया। इस बार थोड़ी परिस्थितियां ठीक है तो हमने इसको 5 दिन का कर दिया है, और इस 5 दिन में भी हम कार्यक्रम कोरोना के गवर्नमेंट के जो नियम और कानून है उसको ध्यान में रखते हुए ही करेंगे। और इस बार इस उत्साह के वजह से हमारे भारत देश का आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव है, तो इस अमृत महोत्सव को, क्योंकि देश है तो हम हैं, गणेश सेवा मंडल है और हम सब है, तो हम इस आज़ादी के महोत्सव को एक तारीख के दिन यहाँ पे श्री अजय जी महाराज जी के द्वारा पूरा पंडाल यहाँ पे पूरा स्कूल तिरंगामय होगा और देश के प्रति यहाँ पे पूरे कार्यक्रम होंगे देश के। हमेशा हमारा गणेश मंडल हर बार पहले से बढ़ चढ़ कर कार्यक्रम करता है और बढ़ चढ़ कर इसमें कलाकार आते हैं, और हमारा पंडाल हमेशा पूरे जमुना पार का पूरी दिल्ली में सराहनीय होता है, और इसकी शोभा हमेशा दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और बढ़ती रहेगी। हमारी पूरे साल गणेश उत्सव की, गणेश सेवा मंडल की एक्टिविटी पूरे साल चलती हैं। जैसे अपन गोपाष्टमी का भी प्रोग्राम करते हैं, 26 जनवरी का भी प्रोग्राम हमने किया है, कोविड के दौरान भी किया है। गणेश मंडल के अंदर जितने भी सेलिब्रिटीज हैं उनको भी इन्विटेशन दिया गया है, और जो जाने माने विश्व के जाने माने भजन गायक कलाकार हैं उनको भी आमंत्रित किया गया है। उन सबकी भी को देखते हुए यहाँ पे हमने ब्लैक कमांडो सिक्योरिटीज के जितने भी जवान, जितने भी पॉसिबल हो सकते हैं, वो हमने यहाँ पे उनको बुक किया हुआ है। और जहाँ तक समझते हैं गैदरिंग की जो यहाँ पे है, हमने 50,000 आदमी का लगभग एक गैदरिंग का टारगेट लिया हुआ है। अगर इससे ऊपर होते हैं तो उसके लिए हमने फिर एक्स्ट्रा गार्ड के लिए व्यवस्था कर रखी है, जिससे कोई भी असुविधा किसी टाइप की भी ना हो। बेड कवर हॉस्पिटल में ऑल यूनियन लीडर लेवल की एक मीटिंग रखी गई, जिसमें दिल्ली के लगभग 18 अस्पताल से यूनियन अधिक लीडर में पहुंचे, जहां हॉस्पिटल में यूनियन के मुद्दों पर चर्चा की गई। यूनियन लीडर ने बताया कि हॉस्पिटल में सरकारी पद खाली हैं, वहीं हाल ही में एक्सपायर हुए कर्मचारियों को 1 करोड़ मुआवजे की मांग की गई है। ठेके पर हॉस्पिटल में भर्ती हो रहे कर्मचारियों की रोक की मांग को लेकर यूनियन ने आज मीटिंग की और सरकार के खिलाफ हवन करने की भी मांग की है। हमारी आज इस मीटिंग में लगभग दिल्ली के सभी हॉस्पिटल सम्मिलित हुए हैं, और उन्होंने अपने अपने विचार विमर्श किए सभी ने, जिसमें कि हमारा मुद्दा जो खाली पद पड़े हुए हैं हमारे, उनको जल्दी से जल्दी भरा जाए और कैशलेस कार्ड की सुविधा हमें दी जाए अदर्स की तरह। आज हमारे यहाँ डॉक्टर हेडगवार आरोग्य और स्टाफ यूनियन के से एक मीटिंग आयोजन की गई है, और इसमें हॉस्पिटल के लगभग 16-17 हॉस्पिटल है जो उसमें सम्मिलित हुए हैं, उनके पदाधिकारी हैं, और हमारे मुद्दे हैं कि यहाँ पे जो ठेकेदारी प्रथा है और अदर पूरी दिल्ली में फैली हुई है उनको हटाया जाए, और न्यू पेंशन स्कीम को बंद करा जाए, ओल्ड पेंशन स्कीम को लाया जाए, और कर्मचारियों के हितों के लिए आगे डॉक्टर हेडगवार यूनियन काम करती रहेगी। हम लोगों ने, डॉक्टर हेडगवार आरोग्य संस्थान ऑल स्टाफ यूनियन ने यहाँ पे दिल्ली के सभी अस्पतालों को जोड़ने की कोशिश की है। हमारे मुद्दे पहला है कि ओल्ड पेंशन चालू की जाए जल्दी से जल्दी, और राज्य चालू कर रहे हैं, दिल्ली ने अभी तक चालू नहीं की। उसके अलावा ठेकेदारी प्रथा बंद की जाए, मेडिकल कैशलेस किया जाए, हमें इस मुद्दे पर खाली पड़े पदों को हमारे जल्दी भरा जाए। अगर इन मुद्दों पे आगे कार्रवाई नहीं करती सरकार, तो इस मुद्दे को हम आगे ले जाके सभी कर्मचारियों के साथ आंदोलन के आगे बढ़ेंगे लेके। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के घर पर दबिश के बाद से राजनीतिक माहौल अचानक गर्मा गया है।
वहीं केजरीवाल सरकार की आबकारी नीति का लगातार विरोध प्रदर्शन चल रहा है। इस बीच बीजेपी भी सड़कों पर उतर आई है। सूरजमल विहार के चौक पर मनीष सिसोदिया का पुतला दहन किया गया, साथ ही इस्तीफा देने की मांग की गई। बीजेपी के कार्यकर्ताओं का कहना है कि अपनी शिक्षा नीति की आड़ में केजरीवाल सरकार अपनी शराब नीति को छुपा रही है और जिस तरह से केजरीवाल सरकार के मंत्रियों पर आरोप लग रहे हैं, आने वाले समय में भ्रष्ट सरकार को जनता ही जवाब देगी। आज पूरी दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रत्येक मंडल में जो केजरीवाल सरकार की जो शराब नीति थी उसके अंदर जो भ्रष्टाचार हुआ है उसके खिलाफ विरोध मार्च निकालने का कार्यक्रम पूरी दिल्ली के कार्यकर्ताओं द्वारा किया जा रहा है। आज उसी कड़ी में आनंद विहार मंडल में हितेश आर्या जो हमारे मंडल अध्यक्ष हैं उनके नेतृत्व में, उनकी अध्यक्षता में आज इस धरने का आयोजन किया जा रहा है, इस विरोध मार्च का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें दिल्ली की जनता को ये बताया जा रहा है कि किस प्रकार से केजरीवाल ने शराब नीति के तहत दिल्ली की जनता के साथ जो धोखा किया और जो भ्रष्टाचार किया, जनता को बताने के लिए इस विरोध मार्च का आयोजन किया जा रहा है। ये जनता का आक्रोश है जो आज सड़कों पर दिखाई दे रहा है। आम आदमी पार्टी की सरकार ने जो शराब नीति निकाली थी उसमें एक बहुत बड़ा घोटाला सामने आया है, जिसके मुख्य आरोपी रहेंगे मनीष सिसोदिया जी। मनीष सिसोदिया जी ने बहुत बड़ा घोटाला किया है इसके अंदर, और ये कोई छोटा मोटा घोटाला नहीं है, ये हजारों करोड़ का घोटाला है। साबित हुआ नहीं हो जाएगा साबित, काफ़ी सारे प्रूफ तो आ ही गए हैं, बाकी भी आ ही जाएंगे बहुत जल्दी। जैसा कि सबने देखा है कि शुरू से ही ये पार्टी जो है सरकारी संपत्ति को कैसे लूटा जाए इसी बेस पे चल रही है, चाहे उसमें मुफ्त की योजना हो और इस तरह के जो और जो उनके कर्म है उस तरह के आधार पे चलता है। हमेशा सरकारी का धन का दुरुपयोग ये लोग करते हैं। उसी कड़ी में शराब के अंदर उन्होंने किया 140 करोड़ का जो घोटाला है वो तो सीधा सीधा है। जो लाइसेंस के लिए पैसे जमा होने थे उन्होंने सीधा सीधा माफ़ किए, जो सीधा दर्शाता है कि इसके अंदर साठ गांठ है। अभी आपने कहीं देखा है कि कोई शिक्षा मंत्री शराब मंत्री भी बना हो? ये दिल्ली का एक पहला उदाहरण है जहाँ जो शिक्षा मंत्री है उसी को आबकारी मंत्री बनाया गया और खूब लूटा गया दिल्ली को। जो नई आबकारी नीति आई थी दिल्ली के अंदर उसको डस्टबिन में डाल दिया गया। मैं पूछना चाहता हूँ केजरीवाल जी से कि आपने किससे पूछ के उसको डस्टबिन में डाला और नई आबकारी नीति जो बनाई है उसमें अपने ही रिश्तेदारों को, अपने ही जानकारों को, या दिल्ली में भी और कुछ को पंजाब में भी ठेके आवंटन किए गए हैं, वो क्यों किए गए हैं? उसका जवाब चाहिए हमें केजरीवाल जी। और आज जो आप ये आक्रोश देख रहे हैं, पुतला दहन जो आपके सामने मनीष सिसोदिया जी का हुआ है, ये एक्चुअली जो हमारे यहाँ की औरतें हैं मजदूर हो गए जैसे, या जो भी झोपड़पट्टी में रहते हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं। और मनीष सिसोदिया जी की आबकारी नीति तो मतलब मैं कहती हूँ हाय हाय है कि ये बिल्कुल ही सहने लायक ही नहीं था, तो इसलिए ये जनता का आक्रोश है आपके सामने। पूर्वी दिल्ली में जगह जगह निर्माण कार्य के चलते रहते हैं, कुछ लोग नक्शा पास करवा कर सही तरीके से निर्माण करवाते हैं तो वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग अवैध निर्माण करा कर कब्जा कर लेते हैं। सड़कों, गलियों या सरकारी जमीन पर कब्जा कर अवैध निर्माण करने की समस्या लगातार बढ़ रही है। इन्हें रोकने के लिए बनी एजेंसियों की मिली भगत से ही अवैध निर्माण पर अंकुश नहीं लग पा रहा है। वहीं जब हमने पूर्व दिल्ली के लोगों से बात की तो उनका कहना था कि कई लोग निर्माण करवाने के लिए गलत तरीके से काम को अंजाम देते हैं, लेकिन सभी ऐसा करते हैं ये कहना मुश्किल है। बिल्कुल ठीक बात है, नहीं बन पाते। अभी मेरे पड़ोस में एक मकान बन रहा है, उसमें क्या हुआ कि MCD की मिली भगत से उसने नक्शा नहीं बनवाया था, मकान बना रहा था, कुछ उनका पारिवारिक झगड़ा हो गया तो उसी की बहन ने शिकायत कर दी, फिर वो नक्शा बनाया गया नंबर दो में, मकान बन चुका था, नक्शा बना, उसको पास कर दिया तो उसकी बहन ने वो उसका उठाया, ऑब्जेक्शन उठाया, तो अब वो JEE सारे उसमें आए हुए हैं कोर्ट में। अच्छा। ये अभी मुकदमा चल रहा है कोर्ट में, मेरे ख्याल 9 सितंबर उसकी डेट है। नक्शा, बिना नक्शे के मकान बन रहा था, जब झगड़ा हुआ घर में तो नक्शा बनवा लिया गया नंबर दो में, और MCD के JEE ने ये बोला कि ये नक्शा पहले का बना हुआ था, बिल्कुल झूठ बोला उन्होंने। अब वो फंसे हुए हैं इस टाइम, बिल्कुल पुलिस और इनकी मिली भगत से ही सब उल्टा सीधा काम हो रहा है, जेन्युइन कोई काम नहीं हो रहा। लोग अतिक्रमण कर लेते हैं, कब्जा कर लेते हैं किसी की प्रॉपर्टी पे बिना सोचे समझे, बिना उसके बाद कई बार जगह भी आगे घेर लेते हैं, उससे बड़ी दिक्कतें होती हैं पब्लिक को, उसके लिए भी बहुत दिक्कतें हैं। मतलब ज़बरदस्ती जो कब्जे होते हैं वो अनऑथराइज ही होते हैं एक तरह से, जिस टाइम कार्रवाई नहीं होती उस टाइम तो यही लगता है कि मिली भगत से ही बनते हैं, लेकिन जब कार्रवाई होती है और वो हटते हैं तो पता लगता है कि उसके प्रति मतलब उनको, इनको जब करते हैं बैठते हैं, कोई शिकायत जाती है तो पुलिस एक्शन लेती है, तो यही है कि अच्छा लगता है।
पुलिस जब एक्शन लेती है उनको हटाती है तो कहीं ना कहीं कोर्ट भी सामने आती है, कोर्ट भी सब चीज़ सामने आती है जब एक्शन होता है तो पता लगता है कि ज़बरदस्ती कब्जा किस वजह से हुआ था, कैसे हुआ था। अवैध निर्माण होता है, अवैध निर्माण होते भी हैं लेकिन उसका बाद में जब कंप्लेंट होती है तो उसका उसको गिराया भी जाता है, उसके ऊपर एक्शन भी लिया जाता है जो अच्छी चीज़ है। अब ये तो ऐसा है कई बार मिली भगत से ही होता है लेकिन अब आजकल तो देखने में नहीं मिल रहा है ये चीज़। कहने का मतलब ये है पहले काफ़ी मिलता था लेकिन आजकल ये सब चीज़ थोड़ा सुचारू रूप से सही चल रही है, कोई अवैध निर्माण नहीं मिल रहा है देखने। पूर्वी दिल्ली में कई फुट ओवर ब्रिज ऐसे हैं जिनकी हालत काफ़ी जर्जर है। आपको बता दें कृष्णा नगर पर बना फुट ओवर ब्रिज काफ़ी समय से खराब पड़ा है, यहाँ पर शेड काफ़ी दिनों से टूटी है, पुल भी जंग खा चुके हैं, एक्सीलेटर मशीन भी खराब पड़ी है, साथ ही सीढ़ियाँ भी गायब हैं लेकिन कोई देखने वाला नहीं है। लोगों का कहना है कि फुट ओवर ब्रिज खराब होने की वजह से लोग सड़कों के बीच से गुजरकर रास्ता पार करते हैं जो कि काफ़ी खतरनाक है और समय भी काफ़ी लगता है। प्रशासन को जल्द से जल्द इसको ठीक करवाना चाहिए। पहले करते थे लेकिन अब जब से ये ऐसे हो गए तब से खराब, कोई नहीं, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, ये मशीन नीचे से कुछ चल नहीं रही थी स्टार्टिंग के दिनों में ना, तो फिर इसको बंद कर दिया। फिर वहाँ से ऐसे ही सामने से ये बीच में डिवाइडर टूटा हुआ है, ऐसे आ जाते हैं, आगे से क्रॉस कर लेते हैं रेड लाइट से। हाँ रिस्की तो रहता है क्योंकि रेड लाइट इतना दोनों तरफ से गाड़ियाँ आ रही होती हैं, और अभी मैं भी आई हूँ तो उधर से रोड क्रॉस किया है, फिर इधर वाला रोड क्रॉस किया है और फिर मैं इधर आई हूँ। अगर ये सही होता तो मेरे को ईजी हो जाता कि मैं ऊपर से आ जाती। नहीं ऊपर ऊपर की तरफ थोड़ा सा ना, वैसे भी लोग शराब वगैरह पी के बैठे रहते तो कई बार वैसे भी रिस्की हो जाता था, क्योंकि ये लंबा होता है ना तो ऊपर जाते तो उधर कोई बैठा हुआ होता है तो दिन के टाइम भी बैठे रहते हैं, इसलिए थोड़ा सा डर भी लगता है। गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए कि इसके प्रॉपर एक तो सफाई हो ऊपर तक, क्योंकि ऊपर बहुत गंदा होता है, दूसरा चेक भी करना चाहिए कि यहाँ पर ऊपर क्या कोई ऐसा तो नहीं बैठा कि किसी के साथ कोई, हाँ गार्ड वगैरह बैठाया जाए, किसी को हार्म ना हो, किसी को कोई प्रॉब्लम ना, क्योंकि बहुत लंबा पड़ता है। थोड़े लोग करते हैं क्योंकि खराब होने की वजह से कोई जा नहीं पाता इस पे, वो लिफ्ट खराब, लिफ्ट वगैरह इसकी खराब हो रखी है, ये काफ़ी टाइम से खराब पड़ा हुआ है, लेकिन दिन में इसे लोग कम यूज करें तो रात को तो इस पर डर के मारे कोई चढ़ता भी नहीं लिफ्ट की वजह। अब ये पता नहीं राज्य सरकार के अंदर में है, केंद्र की सरकार के अंदर में है, मगर पब्लिक का पैसा गवर्नमेंट मिसयूज कर रही है। कईयों की टांग टूट गई, कई आदमी जो है अपना घायल हो गए, जख्मी हो गए, मगर इसके बारे में कोई भी कुछ नहीं बोलता है। मैडम इसे एक साल से मैं देख रहा हूँ कि इसे कोई यूज़ नहीं कर रहा। हालत कैसी है अभी इसकी? इसकी हालत इतनी ख़राब है, कबाड़ी आएगा ना कबाड़ी, वो इसके बहुत मुश्किल से मुश्किल सोच समझ के पैसे लगाएगा, सब गल चुका है। मैडम गिर तो नहीं सकता मगर यह है कि पब्लिक परेशान हो सकती है 10 साल और, इसलिए इसके बारे में कोई सोच नहीं रहा। इसलिए हिंदुस्तान की सरकार है हमारी, ये एक्शन जब लेती है, हाँ हाँ, इस हिंदुस्तानी सरकार ऐसी जब तक दुर्घटना पर दुर्घटना ना हो, यहाँ मानव, यहाँ पे मानव की वैल्यू नहीं है। दिल्ली के मकान मालिकों को ज्यादा प्रॉपर्टी टैक्स चुकाना पड़ सकता है। 5वीं म्युनिसिपल पॉल्यूशन कमेटी ने प्रॉपर्टी की सालाना वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले 6 फैक्टर्स में बढ़ोतरी की सिफारिश की है। कमेटी ने अपनी अंतिम रिपोर्ट MCD को सौंप दी है। अगर इन सिफारिशों को लागू किया जाता है तो इससे पूरे शहर में प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ सकता है, इसमें रेजिडेंशियल कॉलोनीज भी शामिल हैं। कमेटी का कहना है कि राजधानी में प्रॉपर्टी का सालाना वैल्यू निकालने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले 6 फैक्टर्स में से पिछले 18 साल से कोई बदलाव नहीं किया गया है। महंगाई को देखते हुए इसमें बढ़ोतरी करने की ज़रूरत है। इस विषय पर CCN के रिपोर्टर ने नेताओं से बात की, क्या कहा उन्होंने जरा आप भी सुनिए। दिल्ली नगर निगम में अभी अधिकारियों की बैठक हुई है, जिस बैठक में उन्होंने सिफारिश की है कि बेस एरिया यूनिट को 37% बढ़ाया जाना चाहिए, यानी कि पहले जो हाउस टैक्स हम 100 रुपए देते थे वो 137 रुपए हो जाएगा। एकदम गलत निर्णय। दिल्ली में बहुत बड़ी संख्या में लोग टैक्स जमा कराते हैं, लेकिन बहुत बड़ी संख्या ऐसे लोगों की भी है जिन्होंने जीवन में आज तक टैक्स जमा नहीं किया। हमें उनसे टैक्स वसूलना चाहिए, हमें अपने टैक्स की कलेक्शन बढ़ानी है, टैक्स को बढ़ाना है तो उन लोगों से टैक्स वसूलना चाहिए, उन पर सख्ती करनी चाहिए, उनके अकाउंट्स को अटैच करना चाहिए, यदि फिर भी नहीं मानते उनकी प्रॉपर्टी सीड होनी चाहिए। ऐसे बहुत बड़ी संख्या में फैक्ट्रीज है, कमर्शियल एरिया है, जो रहायशी बड़े बड़े क्षेत्र है, बहुत बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जिन्होंने कि अपने मकानों को किराए पे दिया हुआ है, 4-4, 5-5 लाख रुपए महीना किराया आता है, लेकिन टैक्स देने के नाम पे शून्य है, उनकी जांच क्यों नहीं की जाती। ऐसे कई वार्ड है जिन वार्डों से 1 भी पैसा टैक्स नहीं आता, जहां एक तरफ एक वार्ड से 8-10 करोड़ रुपए टैक्स आता है,
वहीं उन वार्डों से लाख दो लाख रुपए टैक्स आता है, कोई टैक्स देता ही नहीं। वहां पे हमारे इंस्पेक्टर जाने से घबराते हैं, जाते ही नहीं। क्यों नहीं? क्या उनको टैक्स देने का अधिकार नहीं है? नगर निगम सभी क्षेत्रों में बराबर सफाई करता है, खर्चा होता है, तो लोग टैक्स क्यों नहीं लेते? प्रॉपर्टी टैक्स की दरें निर्धारित करने के लिए जो बेसिक फॉर्मूला है वो रेटेबल वैल्यू से शुरू होता है। रेटेबल वैल्यू अर्थात कर योग्य मूल्य किसी भी संपत्ति का, इसके अलग अलग पहलू होते हैं। 2004 से ये समान दर पर चला आ रहा है। इसमें जमीन के बढ़ते रेट, मटेरियल की बढ़ती कीमतें, कंस्ट्रक्शन की बढ़ी हुई वैल्यू, महंगाई दरें और अन्य बहुत सारे फैक्टर मिलाकर रेटेबल वैल्यू निकाली जाती है। रेटेबल वैल्यू निकालने के लिए जो डॉक्यूमेंट MCD द्वारा पब्लिक डोमेन में रखा गया है, मेरा ये निवेदन है कि समस्त RWA ग्रुप हाउसिंग सोसाइटियां, इनके प्रतिनिधि और जनता सीधे भी और जितने लोग इसके जानकार हैं वे भी अपना सुझाव MCD को समय रहते दें, ताकि नई रेटेबल वैल्यू डिसाइड होने में कोई गलती ना हो। MCD द्वारा जो हाउस टैक्स की कैटेगरी चेंज की है 18 साल बाद, ये बहुत अच्छा डिसीजन है। अगर ये काम बहुत पहले हो जाता तो बहुत अच्छा होता। लोगों ने अधिकतर हाउस टैक्स पे कर चुके हैं, जैसे डी कैटेगरी का 270 रेट रखा है, एफ कैटेगरी का 200 रेट रखा, तो एक बहुत अच्छा कदम है। ऐसे ही डेवलपमेंट होता रहे, क्योंकि हाउस टैक्स सभी देते हैं और जो लोग नहीं देते हैं तो उन पर जैसे कम रेट हुआ है तो उससे लोग अधिक से अधिक पे करेंगे और MCD को इसका कलेक्शन अच्छा मिलेगा। 5 लड़कियों को आंगनवाड़ी में कथित रूप से नौकरी मिली, ज्वाइनिंग लेटर और ID कार्ड मिला, 3 दिन की ट्रेनिंग ली, फिर 1 महीने वर्क फ्रॉम होम किया, सब कुछ बढ़िया चलता रहा। अब समय था पहली सैलरी का, मगर सैलरी नहीं आई। लड़कियों से कहा गया कि उन्होंने काम ठीक से नहीं किया। कभी सैलरी ना मिलने का कारण कोरोना बता दिया गया। 6 महीने तक सैलरी नहीं मिली तो जिस एजेंट के जरिए लड़कियों ने रुपये देकर नौकरी पाई थी, उसके खिलाफ शाहदरा साइबर पुलिस को शिकायत दी गई। पुलिस ने धोखाधड़ी का केस दर्ज कर आरोपी नवल जोशी को गिरफ्तार कर लिया है। ज्वाइनिंग लेटर और ID कार्ड फर्जी निकले हैं। 35 साल की एक महिला ने पुलिस को शिकायत में बताया कि वह सोशल मीडिया के जरिए जॉब लगवाने का काम करती है। सोशल मीडिया पर ही उनकी मुलाकात नवल से हुई थी। नवल ने उन्हें हिमांशु गौड़ से मिलवाया। कुछ समय बाद नवल ने दावा किया कि वह जरूरतमंद युवाओं को आंगनबाड़ी में नौकरी लगवा सकता है। एक कैंडिडेट ने 1 लाख रुपये लगेंगे। इसके बाद महिला ने 5 लड़कियों के लिए नवल से बात की। जुलाई 2021 में सभी से कुल मिलाकर 1,55,000 रुपये मिले, साथ ही दस्तावेज भी लिए। आरोपी ने ट्रेनिंग से बात की, 3 दिन ट्रेनिंग हुई। आरोपी उन्हें चांदनी चौक लेकर गया, वहां उन्हें कोई जगह दिखाकर कहा कि ये आंगनवाड़ी की जगह है, पहले 3 महीने वर्क फ्रॉम होम करना होगा। उन्हें बाकायदा फर्जी ID कार्ड और ज्वाइनिंग लेटर भी दिया गया था। और पूर्व दिल्ली की अधिक जानकारी के लिए आप यूट्यूब पर जाकर CCN लाइव को सब्सक्राइब करें और फ्रेश अपडेट लेते रहें। और फिलहाल पूर्व दिल्ली खास में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए CCN के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।